नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड नेल पाम है, एज इनकी 60 वर्ष उन्होंने बताई। सवाल यह थे कि लोन कब खत्म होगा, समस्या जो आ रही है उसका निवारण क्या है, अपना घर कब बना पाएंगे और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनको कितनी दिखती है। देखिए, यदि आपके हाथ में देखा जाए तो ये आपके हाथ का शुक्र का क्षेत्र है। यहाँ पर आपके हाथ में मुझे आड़ी रेखा साफ साफ दिख रही है। देखिए, जब शुक्र के क्षेत्र पर इस प्रकार की रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये आपके हाथ की मुझे एक नेगेटिव फैक्टर दिख रहा है कि ऐसे व्यक्ति को कभी ना कभी जीवन में फैमिली इश्यूज रहते ही है, चाहे वो मित्रों से हो, रिश्तेदारों से हो, जीवन साथी से हो, माता पिता से, संतान से हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को फैमिली इश्यूज हो जाते। तो एक मुझे आपके हाथ में मेजर समस्या दिख रही है। इसके अलावा अंगूठे पर आएंगे तो जैसा आपका हाथ है उसके हिसाब से अंगूठा बड़ा सशक्त है, बड़ा ही मजबूत है। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपके अंगूठे में मुझे नहीं दिख रही है। तो अंगूठा आपका एक रफ एंड टफ नेचर दिखाता है और ये इस बात को भी शो करता है कि जीवन में कितनी कठिनाई आ जाए आप अपने संकल्प अपने दृढ़ निश्चय पर डटे रहेंगे और जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना अच्छे से कर पाएंगे। ये सारी चीजें मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिख रही है। अंगूठा बहुत मजबूत और बहुत ही एक जिद्दी किस्म के नेचर को दिखा रहा है, क्योंकि व्यक्ति अपनी संकटों से अपनी मुश्किलों से जिद कर करके लड़ लड़ के जीत ही जाता है और अच्छे समय का आगमन भी अच्छे तरीके से करता है। तो ये सारी चीजें मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिख रही है। बाकी मंगल बहुत ही मजबूत है, मंगल देव की असीम कृपा मुझे आपके हाथ में दिख रही है। जिस प्रकार के मंगल है आपके हाथ में, ये आपको प्रॉपर्टी से लाभ देने वाले रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक क्षमता में कमी नहीं होती, बुढ़ापे के अंदर शरीर साथ देता है, मसल, फिजिकल फिटनेस, बॉडी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस सारी अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति के बुढ़ापे के अंदर शरीर जवाब नहीं देता, लंबे समय तक बुढ़ापे में भी आपका शरीर आपका साथ देगा और आपके अंदर फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी। जल्दी काम करके थकान महसूस नहीं होगी और बिना खाए पे घंटों काम करने में भी आप सक्षम रहेंगे। इस तरीके के ठीक ठाक और बढ़िया योग आपके हाथ में मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बृहस्पति अच्छे हैं आपके हाथ के, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी दिख रही है। जब बृहस्पति इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा होती है तो समझ जाना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति जितनी समाज सेवा करेंगे उतना ही आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यदि आपकी जीवन रेखा देखे तो जीवन रेखा मुझे बढ़िया दिखती है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे जीवन रेखा चली और यहाँ पर हल्की सी धुंधली होनी स्टार्ट हो गई है। देखिए, आपने मुझसे कहा कि आपको ऐसी फीलिंग आती है कि सुसाइड कर लिया जाए। इसके दो कारण मुझे आपके हाथ में दिख रहे हैं। सबसे पहला कि एक जीवन रेखा है, आप खुद गौर करेंगे तो यहाँ तक तो जीवन रेखा मजबूत है, लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन में यहाँ पर एंटर किए हैं, ये जो एज रहेगी आपकी रहेगी 62 वर्ष के बाद की, यहाँ पर जीवन रेखा धुंधली है। ऐसा लग रहा है कि जीवन रेखा की लकीर को फैला दिया गया है। तो जीवन रेखा मजबूत ना होना, हल्का पड़ जाना और जैसे जैसे जीवन रेखा में और आगे बढ़ते चले गए तो पाएंगे कि यहाँ पर जीवन रेखा बहुत ही ज्यादा फैल गई है। ये संकेत अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ कि जीवन रेखा यहाँ पर धुंधली जरूर पड़ी है, लेकिन आकार में पूरी है, ये रुकी नहीं है। तो जो बुरे विचार हैं जीवन के प्रति वो आएंगे, जीवन शक्ति कमजोर होने के संकेत भी हैं, बट आप इन संकट से समस्या से जूझ लेंगे। विचार आ रहे हैं तो विचारों को सीमित रखिए, विचारों को आने मत दीजिए और परमात्मा में ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, आपका भाग्योदय होगा और आप अपने अच्छे कर्मों की ओर आगे बढ़ेंगे और आपको पूर्ण आयु प्राप्त होगी। देखिए, पूरा पूरा संकेत है, आप खुद मिलाइए इस जीवन रेखा को यहाँ के बाद की जीवन रेखा से। इतनी फैली हुई और इतनी नेगेटिव जीवन रेखा नहीं होनी चाहिए हाथ में। लेकिन अच्छी बात यह है कि जीवन रेखा रुकी नहीं है, तो इस फेज को जो विचारों वाला फेज है या फिर जो आपकी जीवन ऐसी समस्या हो सकती है कि आपको बड़ा स्वास्थ्य में नुकसान हो सकता है 62 वर्ष के बाद, लेकिन आप इनसे जूझ कर अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त करेंगे, ये मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, देखिए विचारों के कारक व्यक्ति के जीवन में जो विचार आते हैं वो सब चंद्र ग्रह की वजह से आते हैं। अगर आपको इस तरह के विचार आ रहे हैं तो आपको चंद्रदेव के उपाय दे दिए जाएंगे, उनसे आपको लाभ मिलेगा। देखिए, चंद्रदेव आपने देखा होगा, सुना होगा कहीं पर भी कि महादेव के मस्तक पर विराजते हैं। तो ऐसे केसेस में जिसके चंद्र इतने खराब हो, बुरे बुरे विचार आए, विचारों के कारक क्योंकि चंद्रदेव ही होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को महादेव की भक्ति करनी चाहिए। महादेव की अपार भक्ति करके आपको लाभ मिलेगा और जो विचार है वो आने बंद हो जाएंगे। इसके साथ साथ विचारधारा खुलती है, भगवान में मन लगता है और व्यक्ति जीवन में मोक्ष और मुक्ति की तरफ आगे बढ़ता है, अपनी परम उन्नति को प्राप्त। तो यही चीज आपके साथ में देख पा रहा हूँ। एक तो चंद्र ग्रह नेगेटिव दिख रहे हैं, ऊपर से जीवन रेखा हल्की है, तो इस तरह के विचार आपको हो सकता है कि लंबे समय तक आए, क्योंकि देखिए जीवन रेखा एक समय के लिए धुंधली नहीं है, बहुत लंबी जीवन रेखा जो धुंधली पड़ रही है। तो इस तरह के विचार होना, जीवन शक्ति में कमी आना, बीमार पड़ जाना, ऐसे ख्याल आते रहने लगातार, ये बहुत लंबे समय तक जाएगा। लेकिन जिस तरह का आपका हाथ है, इन सारी समस्याओं से आप जूझ कर आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा बहुत बेहतरीन है, लेकिन हल्का सा कर्व ले रही है। यहाँ पर देखें तो देखिए ये कर्व ले रही है मस्तिष्क रेखा आपकी। ऐसी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के जीवन में विचारों को बदलती है। ऐसे व्यक्ति सुबह हाँ बोलता है, शाम को ना बोलता है, फिर दिन सुबह फिर हाँ बोल देता है, यानी जो डिसीजंस होते हैं उनमें बारंबार बदलाव आते हैं।
और काफी ज्यादा बदलाव आते हैं। और ऐसे व्यक्ति के डिसीजन कभी कभी ऐसा होता है कि अपने हाँ ना करने की वजह से समाज में ऐसे व्यक्ति की नाम खराब होने के चांसेस भी बनते हैं, क्योंकि जो मैंने देखा है नॉर्मली कि देखा है कि व्यक्ति अपने एक निर्णय पर नहीं टिक पाते, निर्णयों में बार बार बदलाव आना इस व्यक्ति की समस्या का कारण बनता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा अपने करियर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, अपने पैसे कमाने के तरीकों को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या किया जाए, जॉब किया जाए, बिजनेस किया जाए, ये कंफ्यूजन रहती है। और अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन में बारंबार बदलाव करते हैं, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है, और विचारधारा में बदलाव ऐसे व्यक्ति के देखे जाते हैं। तो इसलिए आपको इसके भी उपाय दिए जाएंगे, जिस तरह की मस्तिष्क की रेखाएं आपके डिसीजन में बारंबार चेंज आकर लेकर आने वाली रहेगी। बाकी आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपके ज्ञान, सब कुछ मुझे आपके हाथ में अच्छा दिख रहा है। यदि आपकी हृदय की रेखा देखें तो ये हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ तक पहुँचती है। हृदय रेखा में कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। जिस तरह की हृदय रेखा है आपके हाथ में, ये आपके अंदर एक समाज सेवक वाला भाव भी जागृत कर रही है। ऐसे व्यक्ति अच्छे समाज सेवक होते हैं। इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन अगर आपके हाथ में है तो ये रेखा आपका भाग्योदय भी करवाएगी। और देखिए, जितना ज्यादा आप अन्नदान करेंगे, वस्त्रदान करेंगे, लोगों का भला करेंगे, लोगों के काम आएंगे, उतना ही ज्यादा आपका भाग्योदय इस रेखा की वजह से होगा। तो आपके लिए बहुत क्लियर कट एडवाइस रहेगी कि समाज सेवा के कार्यों में एकत्रित हो जाइए, आपका भाग्योदय परमात्मा द्वारा अपने आप हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अन्नदान हमेशा करना चाहिए। विश्व में अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो अन्नदान जितना जैसे करेंगे उतना ही आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। घर से खाना बनाकर ले जाएगा, गरीब बच्चों में बांटिएगा, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। सूर्य रेखा बढ़िया है, अच्छी है, सूर्य देव की असीम लाभ को दिखा रही है। पितृपक्ष से भी आपको आशीर्वाद मिला हुआ है, पितरों का आशीर्वाद आपके हाथ में साफ साफ दिखता है। शनिदेव दबे हुए हैं। देखिए, शनिदेव जब दब जाते हैं तो क्या क्या समस्या देखी जाती है। सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति को वाहनों से नुकसान होता है। शनिदेव की 7.5 ढैया में बड़े बड़े नुकसान देखे गए हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को भूलकर लोन कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्जदार व्यक्ति शनिदेव व्यक्ति को बना देते हैं। इसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन हाथ में अच्छा नहीं होता किसी भी रूप में। कैसे भी शनिदेव का अगर इस प्रकार कॉम्बिनेशन बन रहा है तो व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए। आप यह भी समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति को आलसी बनाता है और व्यक्ति अपने कार्य में लेट लतीफी करता है, जिससे व्यक्ति के बहुत सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। तो ये 4 से 5 नुकसान व्यक्ति को झेलने ही पड़ते हैं जब व्यक्ति के शनिदेव दब जाते हैं। तो यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही रेखा को समझदार होना चाहिए, कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर या फिर गुस्से में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कैसे भी गलत निर्णय नहीं लेता है। तो इस तरह के बढ़िया और ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। उंगलियाँ आपकी मुड़ रही हैं, झुक रही हैं। ये जो उंगलियाँ हैं ये आपको धार्मिक बनाएंगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ आप धार्मिक बनते चले जाएंगे। शनि की उंगली बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। सूर्य की उंगली भी बहुत अच्छी है और सीधी अवस्था में दिख रही है। बुध की उंगली पर आएंगे तो बढ़िया है, अच्छी है, मजबूत है। तो जो ग्रहों की उंगलियाँ हैं वो अच्छी दिखती है, उनसे अच्छे लाभ मिलेंगे। और जैसा आपका हाथ है मैं समझ सकता हूँ कि आप एक अच्छे व्यापारी रहे होंगे। आपने जब पैसा कमाया तो अच्छा कमाया है, क्योंकि व्यापार से आपको लाभ दिखता है। यदि आपने जैसे आप 60 वर्ष के हैं तो अगर आपने अपने जीवन में जॉब की है तो कहीं ना कहीं आप समस्याओं में पड़े हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा व्यापार ही करना चाहिए, पूरा हाथ व्यापारी वर्ग को ही दिखाता है। एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे लीडर होने के पूरे पूरे चांसेस हाथ में बन रहे हैं। इसके अलावा मैंने जीवन रेखा देख ली है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा देख ली, शुक्र बढ़ गया है, बृहस्पति आपको धार्मिक बनाएंगे, शनिदेव दबे हुए हैं, आपको कर्ज की समस्या आ रही है। देखिए, जो मैं आपको शनिदेव के उपाय दूंगा वो उपाय करने के 3 वर्ष के अंदर ही आपको अपने कर्जे से मुक्ति मिलेगी। लेकिन क्या करना रहेगा, जो उपाय दिए जाएंगे वो हमेशा के लिए करने रहेंगे, इवन जब तक कर्जा नहीं उतर, और वो डेली करने रहेंगे। मतलब अगर मैं कहूँ कि हर शनिवार, तो हर शनिवार ही करना रहेगा। और आप इतना समझ सकते हैं कि अगर शनिदेव की 7.5 ढैया चल रही है आपके ऊपर, वो कुंडली देखकर पता चलेगा, कुंडली देखना मुझे नहीं आता। तो अगर कुंडली के बेसिस पर शनिदेव की 7.5 ढैया चल रही है तो उपाय लंबे खींचेंगे और आपका कर्जा भी लंबा खींचेगा, लेकिन मुक्ति जरूर मिलेगी। तो उपाय करते रहिएगा, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल कितना समय लगे उपाय करते ही रहिएगा, आपको लाभ 110% मिलेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। हमारे पास ज़्यादा खर्चे वाले नहीं होते, बहुत सिंपल, बहुत साधारण से होंगे। उसमें कोई ऐसा बड़ा खर्चा, बड़ा हवन, बड़ा यज्ञ, काला जादू, पुराना टोटका नहीं होता। बहुत सिंपल, बहुत साधारण से उपाय होंगे, तो वो डेली कीजिएगा तभी आपको लाभ मिलेगा। बस एक ही मंत्र है कि उपाय डेली कीजिए या हर हफ्ते कीजिए। जैसे शनि की देव के उपाय तो शनिवार को करने रहेंगे, हर हफ्ते कीजिएगा। बाकी देखिए, मुझे 2 ही समस्या देखी। एक तो आप खुद देखिएगा, इसका लॉजिक बताता हूँ कि जीवन रेखा हल्की पड़ रही है। जीवन रेखा यहाँ तक तो देखिए कितनी मजबूत है, यहाँ पर भी कितनी डार्क है, गाढ़ी है, लेकिन जैसे आगे बढ़ी, यहाँ पर हल्की, यहाँ पर हल्की, यहाँ पर तो बिल्कुल फैल गई है। तो जीवन शक्ति में कमी आना हाथ में लाजमी था, लेकिन जैसा मेरा ज्ञान कहता है कि आप इस चीज को पार कर जाएंगे। हाँ, बहुत हद तक आपको ये जो मैंने वर्ड लिखा है इसके थॉट्स और ज़्यादा आएंगे, लंबे समय तक आएंगे, लेकिन सब आपके ऊपर है, आपके निर्णय, आपका जीवन। मुझे ऐसा लगता है कि आप इनसे पार पा जाएंगे। शनि के उपाय आपको करने रहेंगे। मुझे ऐसा हाथ में देखकर लग भी रहा है
कि शायद आपके पास शनिदेव की 7:30 ढैया चल रही है। आपने पूछा अपना अपना घर कब तक होगा। जिस तरह का आपका हाथ है अभी फिलहाल में मुझे कोई बहुत बड़े योग प्रॉपर्टी यानी कि नहीं दिखते हैं। अगर अपना घर पहले से तो उसे कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, बट प्रॉपर्टी खरीदने के योग में नहीं देख पा रहा हूँ। उसके लिए आपको लंबा समय इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी मुझे देखो मैंने सब कुछ बता दिया। आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो वीडियो में पूछ रहे हैं मुझे पूछ लीजिएगा। आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे, आपको रोल सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है जो भी सब लिख दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू, अपना उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।